नमस्कार दोस्तों, छोटी उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं, छल्ले डल रहे हैं, शुगर की समस्या बढ़ रही है, बीपी, थायराइड, लीवर की समस्या, फैटी लीवर होना, किडनी की समस्या, कमर दर्द, महिलाओं में पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, शुक्राणुओं की कमी, छोटी उम्र में बाल सफ़ेद होना, बाल झड़ना, ये ऐसी बीमारियां हैं जो अब कुछ सालों से लगातार बढ़ रही हैं। सवाल ये उठता है कि ये बीमारियां आखिर बढ़ क्यों रही हैं? डॉक्टर्स आपको कहेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, अच्छा खाना खाइए, लेकिन जब आप इनकी तह में जाएंगे तो पता चलता है कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो हमारा भोजन है, वो इन समस्याओं का मूल कारण है। क्योंकि भोजन में पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ रही है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मात्रा कम हो रही है। इसको एक उदाहरण से समझिए, 30-35 साल पहले एक सेब में जितना आयरन मिलता था, आज वो आयरन 15 सेब खाने पर भी नहीं मिलता है। इसी तरह फल फ्रूट्स के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो कम होते जा रहे हैं और इनमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू बढ़ रहा है। अंधाधुंध रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड का प्रयोग होने से जमीन में जो पोषक तत्व थे वो कम हो गए हैं और इनका जो रेजिड्यू है पेस्टिसाइड का, वो फलों और सब्जियों में तो इतने खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है कि हमारी प्लेट में आ रहा है। जी हाँ, ये मेरा नहीं कहना, ये उन साइंटिस्ट का कहना है एग्रीकल्चर के, जो इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे में हमारे शरीर को जो पोषण चाहिए वो मिलता नहीं है, डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की और बीमारियां घेर लेती हैं। दूसरी तरफ जो पेस्टिसाइड का रेजिड्यू थाली में आ रहा है वो खाने पर हमारी फैट में डिपॉजिट हो जाता है, धीरे धीरे हमारे नर्व सिस्टम को भी कमजोर कर रहा है, स्थिर कर रहा है। ऐसे में बीमारियां और बढ़ रही हैं। अब सवाल ये है कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, पोषण कैसे आए भोजन में, और ये जो पेस्टिसाइड्स हमारी थाली में पहुंच रहे हैं ये कैसे रुके। इसका सीधा सा सोल्यूशन है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान बहुत कम है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग कठिन प्रक्रिया है, लेकिन गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हर किसान अपना सकता है। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब है कि जितने पेस्टिसाइड की जरूरत हो, जितने खाद की जरूरत हो, उतना डाला जाए और साथ में गोबर की खाद और जो दूसरे एग्रीकल्चर रेजिड्यू है वो भी खेत में डाला जाए। बैलेंस्ड फार्मिंग करेंगे तो जो पेस्टिसाइड है वो थाली में नहीं आएगा, वो वहीं रुक जाएगा। उदाहरण से समझिए, साइंटिस्ट ये रिकमेंडेशन देते हैं कि सब्जियों में 7 दिन के अंतराल में पेस्टिसाइड का छिड़काव करें, जितनी ज़रूरत है उतना करें, जितनी रिकमेंडेशन दी गई है उतना करें, लेकिन किसान ज़रूरत से पहले डर के कारण एक्सेसिव पेस्टिसाइड छिड़क देते हैं सब्जियों में। और दूसरी रिकमेंडेशन ये दी गई साइंटिस्ट के द्वारा कि आप आज छिड़काव किया है तो आप कुछ दिन के बाद सब्जियों की तुड़ाई करें ताकि उस जहर का असर खत्म हो जाए, लेकिन किसान शाम को पेस्टिसाइड छिड़कता है और सुबह मंडी में सब्जियां ले आता है। मिर्ची पर जो पेस्टिसाइड डालते हैं वो तो उतरता भी नहीं है, चिपक जाता है, उसकी लेयर आप देखिएगा, धोने पर भी नहीं उतरता है, तो ऐसे में हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। तो जो साइंटिस्ट बताएं, एक तरीका ये है कि उतना ही पेस्टिसाइड और उतने ही अंतराल में और उतनी ही मात्रा में छिड़का जाए तो बचत रहेगी। दूसरा, बैलेंस फार्मिंग करें कि गोबर की खाद है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू है वो मिलाएं, तो इससे जमीन की उपजाऊ ताकत बढ़ेगी, उसमें पोषण बढ़ेगा और हमें जो है खाना ठीक मिलेगा। तो एक ये तरीका है। और यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई कर रहा है, ऐसे किसानों को हम अपने दूसरे चैनल टेक्निकल फार्मिंग पर आपसे सीधा मिलवाते हैं ताकि उनकी मार्केटिंग हो सीधी और आपको शुद्ध चीज़ें मिलें। तो ये भी एक तरीका है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जाए, पर इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरा तरीका सस्टेनेबल है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वाला, ये करेंगे और इसके साथ जब भोजन में पोषण मिलना शुरू होगा फिर हमें अच्छी लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल शुद्ध चीज़ों को छोड़कर हम दूसरी चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, इस तरह से एक तो पोषण वैसे ही कम मिलता है, ये खाने पर और कम मिलना शुरू होता है, इसीलिए बचपन से ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कमर दर्द हो रहा है, शुगर की समस्या बढ़ रही है, जो बीमारी हमने बताई। तो सबसे पहले खान पान को शुद्ध करने की आवश्यकता है, इसके लिए किसान और हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। ऐसे किसानों का हौसला बढ़ाना होगा जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, उन्हें यह हौसला देना होगा कि आपका प्रोडक्ट हम अच्छे रेट पर खरीदेंगे। दूसरा, लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, खान पान जो गलत आप खा रहे हैं उसको बंद कर दें। ऐसा करेंगे तो जो बीमारियों पर खर्च हो रहा है, जो परेशानी होती है, उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। उम्मीद है आपको रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए चैनल से ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो दिखाते रहें। नमस्कार, जय हिंद।